अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारा आज का वर्ड है एक्लेमेशन। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एक्लेमेशन। ये एक नाउन है। सबसे पहले इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं, फिर इससे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इसका मीनिंग है पब्लिक अप्रूवल एंड प्रेज। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? अवामी मंजूरी या फिर तारीफ। तो दोस्तों, एक्लेमेशन का जो हमारे पास सिंपल मीनिंग बन रहा है वो ये है कि जब आवाम किसी चीज़ को सराहती है या किसी चीज़ की मंजूरी देती है या किसी चीज़ की तारीफ़ करती है, तो वो असल में क्या कर रही होती है? एक्लेमेशन। उनकी आवाम की जो तारीफ़ है या मंजूरी है, उसे हम कहते हैं एक्लेमेशन। तो अब लेफ्ट साइड पर आपके पास इसके सिनोनिम्स आ गए होंगे, जो कि इसके करीब तरीन मानी रखने वाले अल्फाज हैं, जो कि है प्रेज और अप्लॉज। और राइट साइड पे एंटोनिम्स है, जो कि इसके ऑपोजिट मानी रखने वाले अल्फाज हैं, जो कि है क्रिटिसिज्म। तो अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि इसका मीनिंग और क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर वन, ऑल हर रिमार्क्स वर ग्रीटेड विद एक्लेमेशन। कि उसके जो भी रिमार्क्स थे, यानी किसी लड़की की बात हो रही है, कि उस लड़की के जितने भी रिमार्क्स थे वो पब्लिक ने, वो आवाम ने बहुत पसंद किए, उन्हें बहुत सराहा, उनकी बहुत तारीफ की। एग्जाम्पल नंबर टू, द न्यूज़ वाज ग्रीटेड विद कंसिडरेबल पॉपुलर एक्लेमेशन। के जो न्यूज़ थी, जो खबर थी, वो आवाम की तरफ से बहुत सराही गई, आवाम ने उसे बहुत पसंद किया। एग्जाम्पल नंबर थ्री, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन बाय एक्लेमेशन। के वो चेयरमैन बना या चेयरमैन इलेक्ट हुआ बाय एक्लेमेशन, यानी आवाम की मंजूरी से और आवाम की कह लें चाहत से या आवाम की बहुत तारीफ़ से वो चेयरमैन इलेक्ट हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्ड एक्लेमेशन। हमने इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जांपल्स को देखा। तो दोस्तों, इस तरह से मज़ीद वोकैबुलरी के लिए हमारा चैनल विज़िट करते रहें। हमारे चैनल पे आपको वोकैबुलरी के रिलेटेड जो मेन बेनिफिट होगा वो ये है कि एक ही वीडियो में आपको मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम और एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जो कि आपको अलग अलग जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।